हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि इस तरह से आप जो है फ़ोन पे से QR कोड स्कैन करके किस तरह से कोई किसी को भी ये पैसा भेज सकते हैं या पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब आप तो शॉपिंग मॉल में या शॉप में जाते हैं, उसमें QR कोड स्कैन करने वाला एक स्कैनर रहता है, तो उसको QR कोड को स्कैन करके किस तरह से किसी को भी स्कैन करके आप जो पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसी को ही हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो इसको किस तरह से करते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए आपको पहले जाना होगा फ़ोन पे में। तो यहाँ पर है मेरा फ़ोन पे। फ़ोन पे में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए QR कोड स्कैनर जैसा एक लोगो है, उस लोगो पर टैप कर देना है। वहाँ पर टैप कर देने के बाद आपको जो है जो QR कोड है उसको स्कैनर कर लेना है। तो देख सकते हैं मैं जो है वो QR कोड स्कैन कर रहा हूँ, और ये देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग हो जाने के बाद आपको यहाँ पर इंटर अमाउंट डाल देना है। तो कितना अमाउंट आप रख सकते हो वो मैं रख देता हूँ, 30 रुपीस ही रख देता हूँ। 30 रुपीस रख देने के बाद जो 60 डिजिट का पिन होता है उसको आपको मैंने नहीं दिखाया। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो है ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। देखिए मेरा जो है वो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ किस तरह से आप जो है आपका आप तो वो QR कोड से पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन अगर आपको कोई QR कोड से स्कैन करना चाहते हैं तो QR कोड से पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपका QR कोड कहाँ पर रहता है फ़ोनपे में, तो मैं उसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपका इस लोगो पर टैप कर देना है, प्रोफाइल वाले लोगो पर टैप कर देना है। प्रोफाइल वाले लोगो पर टैप कर देने के बाद यहाँ पर देखिए QR कोड बोल के एक लिखा हुआ है, तो QR कोड में टैप कर देना है। QR कोड में टैप कर देने के बाद आपको जो देखिए ये जो है एक QR कोड है, तो इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपका जो बैंक डिटेल्स है, मतलब इस QR कोड को स्कैन करके ही आपको जो है पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप जिस तरह से ट्रांसफ़र किया है तो इस तरह से ही ट्रांसफ़र वो भी आपको कर सकते हैं। तो इसको आप QR कोड को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड करके आप जो है जेरोक्स करके आप कहीं पर भी लगा दे सकते हैं, ये जो कि दूसरे लोग भी आपको पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ़ोन पे से किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक कर सकते हैं या फ़ोन पे से किस तरह से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, उसका भी मैं वीडियो बना के रखा हूँ, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।